बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशेंट। सो वेलकम मुजफ्फर ऑनलाइन एकेडमी, एंड दिस इज इरशाद अली मलिक एंड लेक्चरर मैथमेटिक्स। सो बेटा, दिस इज माय लेक्चर नंबर 6 एंड वी आर डिस्कसिंग सेट एंड फंक्शन। सो बेटा, फर्स्ट सेट और फंक्शन हम लोग ये चैप्टर पढ़े, राइट। तो इन प्रीवियस वीडियो व्हाट आई हैव डिफाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। यू कैन राइट एक्स कमा वाई और ए कमा बी। इफ यू आर राइटिंग एक्स कमा वाई सच दैट योर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड the second elements belongs to set B. So this is the builder notation for Cartesian product. Okay beta, and we have also proved that A cross B does not equal to B cross A. तो beta, A cross B और B cross A आपस में बराबर नहीं होते। जस्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट यूर ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज 3,4, राइट। सो ए क्रॉस बी इक्वल टू व्हाट? ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा हम लोगों का? तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, लेट मी राइट फर्स्ट सेट ए कामा बी, दिस इज माय कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड द सेट बी इज 3,4। सो बेटा ए क्रॉस बी जो के बराबर होगा 1,3 के और 1,4 के, एंड देन 2,3 एंड देन 2,4, राइट। दिस इज द आंसर ऑफ ए क्रॉस बी। सो व्हाट डू यू से अबाउट बी क्रॉस ए? बी क्रॉस ए, लेट मी राइट फर्स्ट सेट बी विच इज 3,4 एंड ए इज 1,2। सो द बी क्रॉस ए विल बी इक्वल टू 3,1, 3,2, 4,1 एंड 4,2। ओके बेटा, सो हैव अ लुक दिस वन, के यहाँ पर हमारे पास डोमेन क्या है? 1। ए के रास बी का डोमेन क्या है? 1। और बी के रास ए में डोमेन क्या है? 3। क्या 1 और 3 आपस में बराबर हो सकते हैं? यू विल से नो। तो आपने सिंपली क्या बोलना है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सो यू कैन डिफाइन दिस वन, आर द रीजन बिहाइंड दैट इज द डोमेन ऑफ ए क्रॉस बी, आई मीन ऑल डोमेन्स इन ए क्रॉस बी। बट ए क्रॉस बी में सारे के सारे डोमेन क्या हैं? 1, 2, ठीक है, ओके, एंड द डोमेन्स इन बी क्रॉस ए 3 एंड 4। सो यू नो ये जो डोमेन है ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का डोमेन आपस में बराबर नहीं है, तो जनरली हम क्या बोलेंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होते। तो दैट्स वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव डज नॉट ओबे इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई मीन टू से के कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट ओबे इन ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए का। ओके बेटा, उसके बाद जो है मैं एक चीज़ और आपको डिफाइन करता चलूँ। समटाइम दिस इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, सो ए दिस इज कॉल्ड साइमेट्रिक डिफरेंस बी। सो ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का नोटेशन फॉर्म क्या होता है? यू हैव अ सेट एक्स such that x belongs to A and x belongs to B but not both. But A cross B, sorry, A symmetric difference B, A symmetric difference B is the set of x such that x belongs to A and x belongs to B but not both. बेटा ये कार्टेशियन, ये साइमेट्रिक डिफरेंस बी,
इस साइमेट्रिक डिफरेंस बी का आप लोगों का सेट बिल्डर नोटेशन आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगा. सो दीज थिंग्स बेसिकली आई एम डिस्कसिंग यू बिकॉज आई हैव अपीयर्ड इन सो मेनी एग्जाम एंड दिस टाइप ऑफ एमसीक्यूज आई हैव सीन इन सो मेनी एजेंसीज लाइक द टेस्ट टेकिंग बाय एनटीएस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर वन लाइक एज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल राइट. तो इसको हमने क्या बोलना है, साइमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, साइमेट्रिक डिफरेंस इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट योर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड योर एक्स बिलोंग्स टू बी बट नॉट बोथ. इसको हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, लेट सपोज आई हैव ए 1, 2 and 3 एंड द बी इज 3, 4 and 5. समवन इज आस्क यू ए व्हाट इज ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा. सो ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू, लेट मी राइट ए, दिस इज 1, 2, 3, दिस इज द सिंबल ऑफ साइमेट्रिक डिफरेंस एंड द बी इज 3, 4, 5. सो ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, तो क्या कहा, जो सेम एलिमेंट हैं वो आपने काट देने हैं, ठीक है, जो सेम एलिमेंट है वो आपने काट देने हैं, बाकी जो सेट जो बाकी जो एलिमेंट दोनों सेट में बचेंगे 1, 2 and 4, 5, दिस इज कॉल्ड ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी. ओके बेटा, मतलब ये चीज़ आप लोगों को एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज के हिसाब से ये आप लोगों को सेट बिल्डर नोटेशन माइंड में होना चाहिए. ओके उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज, ठीक है. ओके डोमेन की मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर इसको हम पर्टिकुलरली मैं इसको अलग टॉपिक में डिफाइन भी करूँगा. डोमेन इट इज़ यू नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन राइट. और द रेंज क्या होती है, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज, ठीक है. फिर नेक्स्ट जो है जो मैं आप लोगों को डिफाइन करूँगा, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी रिलेशन, ठीक है, फंक्शंस क्या होता है, ठीक है. तो मैं इस चीज वहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ एक इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूँगा. और फिर हम लोगों मैंने ये भी बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड कोडोमेन राइट. सो दीज थिंग्स इंशाल्लाह आई विल डिस्कस यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर. सो व्हेन आई विल गिव यू द लेक्चर ऑन बाइनरी रिलेशन एंड फंक्शंस. ओके बेटा, अच्छा तो अब आज जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा फंडामेंट थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में. अगर आपके नंबर सिस्टम के बारे में अगर आपके आइडियाज़ अच्छे हैं तो मुझे आगे जो है आप जो आगे जो हमारे लेक्चर होंगे वो आप उसको इजीली गेन कर लेंगे. ओके बेटा, तो मैं थोड़ा सा टाइम को वेस्ट किए बगैर मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ कि यू हैव अ नेचुरल नंबर नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम और उसके बाद मैं आप लोगों नंबर सिस्टम के बाद कुछ मैं आइडियाज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी दूंगा राइट. इन नंबर सिस्टम व्हाट हैपेंस के फर्स्ट सेट इज नेचुरल नंबर एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 सो ऑन एंड सो फॉर्थ. दीज नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. अच्छा सम टाइम क्या होता है, मैंने लिखा एन नॉट. एन नॉट का मतलब क्या होता है, आई एम इंक्लूडिंग जीरो देयर 0, 1, 2, 3, 4 डैश सो ऑन एंड सो फॉर. सो इसको एन नॉट से मदराद क्या होता है कि यू आर इंक्लूडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर राइट. दिस इज कॉल्ड एन नॉट राइट. सो ओके ये एक फॉर्मेट है जो आपके माइंड में होना चाहिए. सो ठीक है होल नंबर भी हम इसको बोल सकते हैं, पर अगर कोई बोलता है एन नॉट मीन्स यू आर इंक्लूडिंग जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सो बेटा एंड द नेक्स्ट आइडिया इज अबाउट होल नंबर.
यू आर होल नंबर W, होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, राइट। एंड द 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन एंड सो फॉर, दिस इज माई होल नंबर, राइट। सो द वट इज़ द आइडेंटिफिकेशन फॉर होल नंबर 0, एंड वट इज़ द आइडेंटिफिकेशन फॉर नेचुरल नंबर 1। अच्छा, सो माई क्वेश्चन इज दैट वाई डू वी नीड टू डिवलप द न्यू सेट होल नंबर। क्या हमने नेचुरल नंबर को जब इंट्रोड्यूस किया था, क्या नेचुरल नंबर हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था? तो एक सवाल है ये माइंड में। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब हमने नेचुरल नंबर को इंट्रोड्यूस किया, एक उस टाइम पे एक हमने मैथमेटिकल मॉडल बनाया, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई, लाइक एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन। सो यू नो एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यू नो ज़ीरो डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो दैट्स वाई वी हैव टू नीड टू डिवलप अ न्यू सेट, दिस इज कॉल्ड वॉट होल नंबर। उसके बाद होल नंबर से भी हमारा गुजारा नहीं हुआ, लाइक यू हैव एन इक्वेशन, यू हैव मैथमेटिकल इक्वेशन लाइक एक्स प्लस टू इज इक्वल वन, सो द एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एंड दिस माइनस वन डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ होल नंबर। सो दैट्स वाई वी हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट दैट इज कॉल्ड इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है, ज़ीरो ऑल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और ऑल नेगेटिव नंबर, राइट, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। कहने का मेरा मतलब ये है कि इंटीजर जो है हम इसको डिनोट करते हैं जेड के साथ। इंटीजर कौन सा सेट होता है, इट मीन्स ज़ीरो ऑल पॉजिटिव। इफ़ यू आर गोइंग आर रनिंग टूवर्ड्स राइट द नंबर्स विल बी पॉजिटिव, इफ़ यू आर रनिंग टूवर्ड्स लेफ्ट द नंबर विल बी इन नेगेटिव। सो दिस इज द सेट ऑफ वॉट इंटीजर, एंड द इंटीजर्स आर डिनोटेड विथ जेड, राइट, ओके। और इंटीजर के कितने काइंड्स होते हैं, बेसिकली तीन, ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहीं से हमें एक चीज़ ज़ाहिर हो गई कि ना ज़ीरो प्लस का है ना ज़ीरो माइनस का है, राइट। सो ओके, ये था हमारे पास इंटीजर सेट। अच्छा, अगर कोई समटाइम्स समवन इज आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, चलो नॉन नेगेटिव इंटीजर, ओके। सो द व्हाट डू यू मीन बाय नॉन नेगेटिव इंटीजर, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर से मुराद आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन नेगेटिव नंबर्स। सो द नॉन नेगेटिव नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन एंड सो फॉर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट योर होल नंबर, ठीक है बेटा। नॉन नेगेटिव में आप लोगों ने ज़ीरो को इंक्लूड करना है, ठीक, नॉन नेगेटिव में आप लोगों ने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करना है, ओके बेटा। सो उसके बाद हमारे पास एक नया सेट था, लाइक 2x-1 = 0। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, यू नो 2x = 1, बिकॉज आई एम यू नो ट्रांसफर माइनस वन टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑन माई राइट हैंड साइड ऑफ ज़ीरो। सो x इज इक्वल वॉट 1/2, मैंने दिस नंबर इज यू नो फ्रैक्शन नंबर, सो दिस नंबर डज नॉट इंक्लूड इन द सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के अंदर हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कोई फ्रैक्शन में हो, राइट। तो इसके लिए एक हमने नया नंबर इंट्रोड्यूस किया, दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बेटा रेशनल नंबर को हम किससे शो करेंगे, आप लोगों को क्यू से। सो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इंटीजर को हम जेड से क्यों डिनोट करते हैं, राइट, क्योंकि इंटीजर को इंट्रोड्यूस करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था ज़ोनेल, सो दैट्स वाई ज़ोनेल पुट अप इट्स नेम, यू नो ज़ोनेल स्टार्ट विद द जेड, सो दैट्स वाई इंटीजर इज डिनोटेड विद द जेड। ज़ोनेल साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, ये नंबर आपको पता है, इट इज इन द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। रेशनल नंबर इज आल्सो यू नो एक्स, रेशनल नंबर कौन सा नंबर होगा आपका, एक्स, यू नो दैट एक्स इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा आपका, पी अपान क्यू, फॉर ऑल पी कामा क्यू, पी इज न्यूमरेटर क्यू इज डिनोमिनेटर। पी और क्यू किससे बिलोंग करेगा आप लोगों का, इंटीजर, एंड द एक्स्ट्रा कंडीशन इज क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो,
क्यू आप लोगों का जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जस्ट मैंने आप लोग का 5/2 इज योर रेशनल नंबर, -9/4 इज योर रेशनल नंबर। अच्छा ये क्या है, पी क्यू, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अगर कोई भी लिख दें -9/0, दिस गोज टू अनडिफाइंड। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगर आप जीरो पुट करते हो तो वो नंबर क्या बन जाता है, अनडिफाइंड, राइट। ओके बेटा, सो आज मैं रेशनल नंबर के बारे में कुछ और चीज़ें आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर हमारा, यू नो द रेशनल नंबर इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर ऑल, यू नो p, q बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। बेटा रेशनल नंबर के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है टर्मिनेटिंग, और दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है रिकरिंग, राइट। एक टर्मिनेटिंग, दूसरा रिकरिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स 0.345 आफ्टर द डेसिमल इफ यू आर एबल टू काउंट द डिजिट्स। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। सिंपली ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग। 1. आफ्टर द डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अगर डेसिमल के बाद इफ़ यू आर एबल टू काउंट द डिजिट्स, दैट वन इज कॉल्ड योर टर्मिनेटिंग। अगर जीरो के, अगर किसी भी नंबर में रिपीटेशन हो तो उसको, उस नंबर को हमने क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर दिस वन कैन बी राइट इन दिस वे, राइट। रिकरिंग नंबर हम उसको बोलते हैं जहाँ पर सीक्वेंस ऑफ रिपीटेशन हो। ठीक है, रिकरिंग नंबर इज आल्सो कॉल्ड रेशनल, टर्मिनेटिंग नंबर इज आल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर, राइट। क्योंकि देखना बेटा कि इफ़ आई एम राइटिंग 1.5, हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, योर आंसर वुड बी व्हाट, 1। इसको मैं p/q फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ कि 15। पॉइंट को रिमूव करने के लिए मैंने दिया 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, आई एम राइटिंग 0। So this is equal to what? The table of 5 must divide numerator and denominator. This equal to 3/2. So this is, you know, this set is belongs to the p/q. Okay. हमारे पास 0.3333। अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये क्या हम इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आई विल से यस। 0.3 शॉर्टकट टेक्निक्स में आपको इसके बता देता हूँ, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3, और कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1, तो आपने 9 लिखना है, दिस इज इक्वल टू 1/3, सही है। इसको मैं मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। इफ यू हैव 0.5 और यू कैन राइट 0.5555, आपसे मेरा एक सवाल है इसके मुताबिक। 0.5555, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेशन, हेयर इज द सीक्वेंस ऑफ रिपीटेशन, और वो रिपीटेशन क्या है, एक डिजिट जो कि 5 है वो रिपीट हो रहा है, सही है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट, वो कौन सा हो रहा है, 5। बेटा आपने लिखना है जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो आपने लिखना है, और कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट वो जो कि 5 है, आपने नीचे डिनोमिनेटर में 9 लिखना है। अगर ओके बेटा, मैं इसको और भी थोड़ा सा एक आपको कंफ्यूज करने के लिए एक आइडिया दे देता हूँ, ताकि आप उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और आपको इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। 0.232323, सो आई कैन, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, आई कैन राइट 23 इन दिस वे, 23 बार। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, देर इज अ रिपीटेशन ऑफ अ सीक्वेंस, वो सीक्वेंस क्या है, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, मतलब ये नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, तो कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं आप लोगों के, 2 और 3, सही है, 2, 3 आपके रिपीट हो रहे हैं, और कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट, तो आपने 99 लिखना है, राइट। तो एक ये अच्छी शॉर्टकट ट्रिक है, मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा इट विल टुक 2 to 3 minutes, वाइल डूइंग MCQs वी डोंट हैव इनफ टाइम, राइट। सो MCQs जब हम लोग सॉल्व करते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर आपसे पूछे 1.323232, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी की होगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1
प्लस 0.32322, राइट, सो ऑन एंड सो फॉर। दिस इज माय वन, द नंबर ऑफ रिपीटेशन इज 323232, सो 32 और दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं 99, सो द एलसीएम इज 99, सो 99 प्लस 32, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 11 4 13, राइट, जो भी होता है इज इक्वल 99, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का ये बन जाता है। तो बेटा ये था हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रेशनल नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू द इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज द बिल्डर नोटेशन फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के दो टाइप्स होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा रिकरिंग। टर्मिनेटिंग वो नंबर होता है जो के पॉइंट में हम जिसको आफ्टर द डेसिमल यू कैन काउंट द डिजिट्स। और रिकरिंग क्या होता है आप लोगों का, देर आफ्टर द डेसिमल देर इज अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेशन, राइट। और टर्मिनेटिंग को भी हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो चीज़ कन्वर्ट हो जाए वो हमारी क्या होती है, रेशनल नंबर। यू हैव अ रिकरिंग नंबर एंड द रिकरिंग नंबर इज आल्सो कन्वर्टेबल इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। अच्छा बेटा, आप लोगों को सम टाइम आप ये भी हमारे लेक्चर में बोल सकते हैं कि सर बहुत तेज चल रहे हैं। बेटा देखो, स्पीड अप हमें होना पड़ेगा, क्योंकि इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम मैं चाहता हूं कि आप लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखे हैं, राइट। इस चीज़ को बेटा आप लोगों ने रिपीट करना है, सही है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल नंबर एंड देन रियल नंबर। देन आई विल टेल यू अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स प्रॉपर्टीज़ इन अ वेरी इजीएस्ट वे। टिल दैट टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।